नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपके सम्मुख उपस्थित हूँ पुनः एक नया ज्योतिष आधारित वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में हम लोग शनि की साढ़े साथी के बारे में बात करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग शनि की साढ़े साथी का नाम सुनकर ही परेशान हो जाते हैं। आइए पहले जान लें शनि की साढ़े साथी वास्तव में होती क्या। जब भी गोचर में चलते हुए शनि ग्रह आपकी राशि से 12वें स्थान में आ जाता है तो साढ़े साथी आपकी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 2.5 वर्ष वो आपके 12वें स्थान में रहेगा राशि से, फिर उसके बाद 2.5 वर्ष वो आपके राशि में रहेगा, 2.5 वर्ष वो आपके दूसरे स्थान में रहेगा। तो जब तक वो दूसरे स्थान में रहेगा तब तक आपकी साढ़े साथी चल रही है, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है। तो ये तो हुआ साढ़े साथी शुरू होने का कारण। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी 2 या 3 बार आती है। शनि के साथ सिर्फ एक समस्या होती है कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, काफ़ी दिनों तक एक राशि में रहता है, जिसकी वजह से शनि को धीरे चलने वाला ग्रह भी कहा गया है। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, 12 राशियों में भ्रमण करने में उसको टोटल 30 साल लगते हैं। तो अगर आपकी भी शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, या शनि की साढ़े साथी लोग बताते हैं कि आपको लगी हुई है इसीलिए आप परेशान हैं, तो बिल्कुल भी ये मत मान के चलिए कि साढ़े साथी की वजह से ही परेशान हैं आप। हो सकता है कुंडली के अन्य ग्रह गोचर में गड़बड़ हो गए हों, गलत हो गए हों, हो सकता है बृहस्पति की स्थिति गड़बड़ हो गई हो सकता है शुक्र की स्थिति गड़बड़ हो, या हो सकता है मंगल की स्थिति, राहु केतु की स्थिति, किसी भी ग्रह की हो सकता है स्थिति गड़बड़ हो, जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आप सारा दोष शनि के ऊपर मढ़ रहे हैं। इसलिए साढ़े साथी को बिल्कुल हवा ना समझें। साढ़े साथी काफ़ी लोगों के जीवन में एक ऊंचाई देकर चली जाती है। इतना धन पद साम्राज्य तक शनि की साढ़े साथी दे सकती है और देती है। सिर्फ देखना यह है कि शनि की आपके कुंडली में स्थिति क्या है। शनि की साढ़े साथी से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, शनि की साढ़े साथी से बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर शनि की कोई साढ़े साथी बता रहा है आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साथी लग रही है, तो सिर्फ ये शनि ग्रह का चंद्रमा से एक गोचर है, सामान्य सी बात है। जैसे बाकी ग्रहों का गोचर होता है वैसे ठीक शनि का भी ये गोचर है। और अगर उस समय बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है या शनि की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आपके परिणाम काफ़ी अच्छे आएंगे, आपको काफ़ी अच्छा समय बीतेगा। इसलिए अपने मन में किसी तरह का कोई दबाव ना रखें, किसी तरह की कोई घबराहट ना रखें, किसी तरह का कोई गिल्ट ना पालें, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का अपने दिमाग में कोई फितूर पाल लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि नहीं अब तो साढ़े साथी आ गई, अब मेरा जीवन समाप्त, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। साढ़े साथी आ जाए बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अब हमको जीवन की नई ऊंचाइयां छूनी हैं, हो सकता है शनिदेव हमको कुछ देने पे आ गए हों। अगर उस दौरान कोई दिक्कत भी आती है तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाइए कि वो दिक्कत आपको साढ़े साथी की वजह से आई है या शनि के गोचर की वजह से आई है या किसी अन्य ग्रह की वजह से आ रही है या आपकी दशा महादशा अंतर्दशा की वजह से वो दिक्कत आपको आ रही है, और जिस वजह से वो दिक्कत आ रही है उस चीज़ का आप समाधान करिए। जैसे शनि का गोचर हो रहा है 7.5 साल चलेगा 3 राशियों में आपके जन्म राशि से, उसी तरह बाकी राशियों का भी और बाकी ग्रहों का भी गोचर आपके जीवन में चल रहा है। तो केवल शनि को दोष मत दीजिए, आप अपना माइंडसेट मत बना लीजिए, क्योंकि आप अगर एक बार अपने दिमाग में इस चीज़ को भर लेते हैं कि नहीं शनि की साढ़े साथी आ गई अब ख़त्म, बिल्कुल ये मान के चलिए फिर आपका दिमाग, आपका जो पैसिव माइंड है बार बार आपको बताता रहेगा नहीं साढ़े साथी आ गई अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब तो जो भी आपकी तकलीफें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी।
वो शनि के साढ़े साथी की वजह से नहीं है, वो आपके माइंडसेट की वजह से हैं। आपका आपका पैसिव माइंड जो है बार बार आपको इंडिकेट कर रहा है जो चीज़ आप उसमें डाल रहे हैं। तो इसलिए साढ़े साथी सामान्य सा एक गोचर है, जैसे बाकी ग्रहों का गोचर होता है, बिल्कुल भी वो अलग नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह से वो दूसरे ग्रहों के गोचर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस ये देखिए कि ये शनि का जो गोचर है, ढाई ढाई साल का जो तीन पीरियड है आपके लाइफ में, इस गोचर में आपको क्या क्या समाधान करना है। और समाधान भी ऐसे नहीं कि आप किसी तरह का कोई लाखों रुपए का आप पूजा पाठ करवा रहे हैं। ये पूजा पाठ अपने मन की शांति के लिए होता है। पूजा पाठ आपको एक दृढ़ता प्रदान करता है, आत्मा को आपके एक मजबूती प्रदान करता है। तो ग्रहों का जो आप इलाज कर रहे हैं वो तकनीकी रूप से होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल भी आप घबराइए मत, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। और शनि आपको निश्चित रूप से लाभ दे के जाएगा साढ़े साथी में, अगर उसका आप तकनीकी रूप से सही रूप से समाधान करवा लेते हैं या उसका सही समाधान आप कर देते हैं। जैसे बाकी लोग बाकी ग्रहों का गोचर है, ठीक उसी प्रकार ठीक उसी तरीके से शनि का भी गोचर है। चूँकि शनि का गोचर ढाई वर्ष होता है एक राशि में, लगातार ये तीन जो राशियाँ होती हैं इसमें जब गोचर होता है चंद्र राशि से, तो वो ढाई ढाई और साढ़े सात साल वो हो जाता है टोटल। तो वो आपको साढ़े साथी बता दी जाती, फिर आप साढ़े साथी से मुक्त होंगे, फिर उसके बाद आपकी फिर कुछ दिनों बाद ढैया आ जाएगी, फिर हो सकता है कि आपके साढ़े साथी के और ढैया भुगतने के बाद आपको फिर शनि की महादशा आ जाए, शनि की महादशा उतरेगी तो शनि की अंतर्दशा आ रही है। तो इस तरीके से इसका मतलब आप शनि के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दें, बिल्कुल ऐसा ना करें। शनि की साढ़े साथी कोई भी किसी भी प्रकार से आपको कष्ट देने वाली नहीं है, और अगर वो कष्ट देती भी है तो उसका आप उचित समाधान करिए, और वो साढ़े सात साल कष्ट बिल्कुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि गोचर ढाई वर्ष का ही होता है एक राशि में। उन ढाई वर्षों में भी अलग अलग नक्षत्रों पर, अलग अलग समय पर, आपके कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थितियों पर, कि कौन सा ग्रह कब फल दे रहा है, कौन सा ग्रह कितना मजबूत है, किस दूसरे ग्रह का गोचर अगर ज़्यादा अच्छा है, दूसरे ग्रह की पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, तो उस पर भी बहुत सारे चीज़ों का असर पड़ता है। टोटल आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इसलिए एक शनि को लेकर बहुत ज़्यादा रोने धोने की या बहुत ज़्यादा पीड़ा उठाने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज से चिंता मुक्त हो जाइए। शनि की साढ़े साथी अगर आपकी आती है तो एक उचित समाधान ढूंढिए, एक योग्य ज्योतिष से जाकर पूछिए कि ये शनि हमारा इस ढाई साल, साढ़े सात साल की बात मत करिए, कि इस ढाई साल शनि हमारा क्या हमको फल देगा, इस शनि का क्या समाधान हो सकता है तकनीकी रूप से, इस ढाई साल में बाकी जो और ग्रह हैं वो हमारा कितना भला करेंगे या कितना बुरा करेंगे। इस चीज़ का एक आंकड़ा बनाएं, इस चीज़ को एक अपने दृष्टि में रखें और इस चीज़ के आधार पर अपने जीवन को जिएं। निश्चित रूप से आपका भला होगा, निश्चित रूप से आपके मन की शांति नहीं जाएगी। अपने मन की शांति बनाए रखें, अपने मन में किसी तरह का कोई भी क्लेश न पालें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर पुनः किसी विषय पर चर्चा के लिए आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।